माननीय अमित शाह जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो चंडीगढ़ की सीट सबसे पहले जो 400 सीटों के अंदर हम उनकी झोली में डालेंगे और चंडीगढ़ को और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। किरण जी ने पिछले 10 साल में चंडीगढ़ की सेवा करी है और उसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी रहे, उनको हेल्थ के भी चैलेंज रहे, लेकिन तब भी उन्होंने एक जो है मैं कहता हूँ एक बहादुर जो व्यक्ति की तरह उन्होंने उस पक्ष को संभाला। पार्लियामेंट के अंदर उनकी लगभग 95% के करीब उनकी हाजिरी है और उन्होंने चंडीगढ़ के विषय को वहां पर पूरा उठाने का पूरा प्रयास भी किया है, और जहां से उन्होंने छोड़ा है मैं वहीं से आगे बढ़ता हुआ चंडीगढ़ की सेवा के लिए कोई भी चीज जो अधूरी ना रह जाए हम उसको पूरा करने का। सर किन मुद्दों को लेकर आप चंडीगढ़? चंडीगढ़ के कई मुद्दे जो हैं जो केंद्र स्तर के ऊपर लंबित हैं, जिसके लिए चंडीगढ़ के लोगों को बहुत आशा है कि उनके ऊपर बैठ के जल्द से जल्द उन पे निर्णय किया जाए, क्योंकि वो जो मुद्दे यहाँ से यूनियन टेरिटरी होने के नाते जो मुद्दे वहाँ लंबित हो जाते हैं, मेरा पहला प्रयास रहेगा कि उन मुद्दों को सॉल्व करें। सर जो है वो खड़ा रहता है कि मेट्रो जो है वो लगाई जाएगी, उसको लेकर हर बार डीओपी जो है वो की जाती है, लेकिन मेट्रो के बारे में अभी डिस्कशन चल रही है। पंजाब हरियाणा के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ उसको आगे बढ़ाने का जो प्रयास चल रहा है, हम उस प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे।